नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और कच्छ में आया हुआ हूँ। मैं नाना का पाया गांव है एक, यहाँ पे मुंद्रा शहर है। मुंद्रा शहर के पास अडानी पोर्ट, आपने सुना होगा, इधर पीछे अडानी पोर्ट है इस साइड में, और यहीं पे मुंद्रा शहर, और मुंद्रा शहर के पास एक गांव नाना का पाया, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक गढ़वी परिवार है यहाँ पे जो गाय भैंसे रखते हैं, मैं आपको एक इनसे मिलवाता हूँ। इनकी भैंसों के बारे में मैं आपको जानकारी दिलवाऊँगा, यहाँ पे किस तरीके से भैंसे खाती हैं, रहती हैं, और मतलब ये किस तरीके से उनका ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे परिचय करवाता हूँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरम गढ़वी है, मैं इधर गांव से हूँ। मेरी वाड़ी पे, उधर वाड़ी हमारी, और हमारे पास 20-30 भैंस हैं, सब मिक्स है, सिंधी है कोई या कच्छ की है, सब मिक्स भैंस है हमारे पास। तो ये वीरम गढ़वी हैं और इनके पास 20-30 भैंस हैं, इनकी खुद की बाड़ी है। बाड़ी का मतलब होता है यहाँ पे भाई फसल उगाते हैं अपने खेत में, कुछ जैसे कोई सब्जियाँ वगैरह या फल वगैरह है, और खुद के कुछ खेत होते हैं वहाँ पे मीठा पानी का बोर करके और वहीं पे कुछ लगाते हैं, तो उसको बाड़ी बोलते हैं यहाँ पे। और बाड़ी में इनके पास 20-25 भैंसें हैं जो पीछे दिख रही हैं, इनमें से कुछ भैंसें इनकी हैं। ये सरकारी जगहें होती है जो चारा है, ये कुछ मतलब गांव की पंचायत एडजस्ट करती है, कुछ अडानी एडजस्ट करता है, इस तरीके से इनकी सहायता होती है। क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, किल्लत रहती है, इस वजह से यहाँ पे हरी फसलें और अनाज या जो भी चीज़ें उसकी कमी रहती है, तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो गवर्नमेंट ने एक नस्ल बनाई थी बानी भैंस, तो ये बानी भैंसें हैं, ठीक है। तो गढ़वी जी, हाँ, आप बताइए हमारे को आपकी कौन कौन सी भैंसें और कितना कितना दूध है? हमारी इसमें से इतनी भैंस हमारी है साइड, ये इस साइड वाली, हाँ, और थोड़ी इधर भी है। अच्छा, बीच में मिली हुई, हाँ। इसमें से बनी की भैंस है वो दिख रही है, वो सामने वो बनी की भैंस है, और ये अच्छा। है बनी की भैंस, सब मिक्स है सब। अच्छा जी, ये सब 5-6 लीटर दूध देती है। बताइए जी, जैसे बनी भैंस जो होती है ना, उसके बारे में मेरे को आप ये बताइए कि उसका पता कैसे चलता है ये वाली भैंस बनी है, कैसे नस्ल का कैसे पता चलता है? उसका सिंग ऐसे कुंडा होता है, एकदम कुंडा गोल, हाँ गोल सिंगड़ा, और उसकी सूबी टूकी होती है, सूबी मतलब नाक, नाक हाँ टूकी होती है, और कान इतने छोटे होते हैं। देखो इधर का भैंस हो रही सामने, उसकी देखो कान छोटे हैं, कान बोलते हैं ना वो। और मुर्रा में और इसमें क्या फर्क होता है, पता कैसे चलता है ये मुर्रा है? ये वो मुर्रा है ना, उसका सिंग वो खुला होता है। अच्छा, थोड़ा सा खुला होता है, इसका ऐसा कुंडा होता है। अच्छा, और इसमें वो बड़ी होती है दर्जी, मतलब यहाँ पे मुर्रा भैंस ज़्यादा दूध देती है या ये बनी देती है ज़्यादा? यहाँ बनी बहुत दूध देती है, क्योंकि जंगल है ना ये, इधर जंगल में वो खाने के लिए बनी की भैंस अच्छी दूध देती है, मतलब तो मुर्रा खा लेती है। हाँ, मुर्रा भैंस इधर रहती नहीं है क्योंकि ये गर्मी बहुत है ना, इसीलिए रह नहीं सकती इधर, हाँ गर्मी की वजह से वो परेशान हो जाती है। अच्छा, ये बनना। और यहाँ पे भैंसों की कीमत कितनी होगी, इस भैंस की कितनी कीमत होगी अभी? इस भैंस की 1 लाख होगी, 1,80,000, 1 लाख, मतलब कम से कम कितने रुपए में मिल जाती है भैंस? कम से कम 60-70 हज़ार, और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया भैंस हो तो अच्छा दूध देती हो 1.5 लाख इस इतनी कीमत में मिल जाती है, मतलब 60,000 से 1.5 लाख तक की भैंसे मिल जाती है। अच्छा, ये भैंसे अभी इसे पास से दिखाओगे भाई, कौन सी है ये? वन मुर्रा लग रही है, हाँ ये मुर्रा लग रही है, वो काठियावाड़ की है भैंस। अच्छा, वो वाली, हाँ बुरी वाली, बुरी है ना वो। ये क्या सिंग कटवा रखे हैं इसके, घूम जाते हैं अड़ जाते हैं ना इसलिए। अच्छा, ये भैंस की इसने ये कितना दूध दे देती होगी ये वाली भैंस? ये 4-5 लीटर, 4-5 लीटर। दिखाइए सुभाष भाई, हाँ इसका आगे शक्ल दिखा, इसकी ओड़ी आड़ी दिखा, पीछे से दिखाए भाई। ये कितनी बार की ब्याई हुई होगी? ये 5-6 बीटर ब्याई होगी, 5-6 बार ब्याह चुकी होगी। अच्छा, 60,000 के आसपास होगी इसकी कीमत, 50,000 से 60,000, 50,000 से 60,000 के आसपास कीमत होगी। तो ये देख लो भाई, नस्ल नहीं है, देसी भैंस है ये, कोई नस्ल नहीं है, और 50,000 से 60,000 नस्ल वाली भैंस दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ एक बार देख लो भाई। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ज़्यादातर गढ़वी लोग जो है ना वो भैंसे बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये देखो, ये नस्ल वाली है, थोड़ी घबरा रही हैं भैंसे, ये नस्ल है, ये 2 साल की है। अच्छा अच्छा, ये है काटड़ी होगी ये, तो ये देखो भाई 2 साल की काटड़ी है ये, इसका दिखा, 2 साल की काटड़ी है।